खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से आ रही है, जहां धान खरीदी में अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, फिर भी किसानों की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। तहसील कार्यालय में किसान नेता सुनील साहू ने धान बिक्री से जुड़े किसानों के रकबा, पंचायत संशोधन व निरस्तीकरण सुधार हेतु अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार ओपी सिंह को ज्ञापन सौंप कर अविलम्ब सुधार किए जाने की मांग की। आरलाइन भारत के लिए सूरजपुर छत्तीसगढ़ से संवाददाता इमरान अहमद की रिपोर्ट। आज हम किसानों के साथ किसानों के बातों को, किसानों की समस्याओं को लेकर तहसील में आए थे। यहाँ भैयाथान ब्लॉक के कई समितियों के बहुत सारे किसानों के रकबे NIC से सुन्न हो गए हैं, जबकि वह किसान पिछले वर्ष कोई 100 कुंटल, कोई 75 कुंटल, कोई 20 कुंटल धान बेचे हैं, और उन सभी किसानों के समितियों में कर्ज भी है, जो KCC कार्ड के माध्यम से कर्ज लिए थे तो कर्ज भी है, लेकिन उनका पंजीयन भी निरस्त हो गया है। उन किसानों के साथ उनका संपूर्ण दस्तावेज, पिछले वर्ष और इस वर्ष के दस्तावेजों के साथ हमने यहाँ SDM साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि इन किसानों का पंजीयन पुनः सुधारा जाए और जिससे किसान अपना धान बेच सके। कुछ किसानों का समिति से पंजीयन निरस्त होने की बात आई है, वही ऐसे समस्त किसानों के साथ आज आए हुए थे और उन किसानों का संपूर्ण दस्तावेज के साथ SDM साहब को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला है? उनके द्वारा कहा गया है कि हम पत्र के माध्यम से ऊपर भेजेंगे, खाद्य शाखा को अवगत कराएंगे, जिससे बहुत जल्द किसानों का पुनः पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। अभी फिर से इनका जाँच कराए हैं उसको, है ना, फिर जाँच हो गया है, फिर से उनका कर रहे हैं रिपोर्ट लेके अपन कर रहे हैं, फिर से करेंगे, मतलब ऐसे नहीं। सर, ऐसे कितने किसान होंगे सर तहसील में जो जिनका अभी तक रकबा सुने हुआ है या नहीं हो पाया है अपडेट? सूची उपलब्ध नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी आ रहा है सबको अपन कर रहे हैं। सर, कुछ किसानों का मतलब पंजीयन निरस्त शासन के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं? शासन से ही वो है, उसका सूचना हम लोग को मिला नहीं है, अलग से शासन से ही कट गया है उनका। ऐसे मामले कैसे सुधरेंगे? हाँ, ऐसे मामले में सुधार कैसे होगा सर? उसके लिए फिर से अपन लिखेंगे, शासन को लिखे भेजेंगे करेंगे।